नमो भारत ट्रेन अब दिल्ली में भी दौड़ती हुई नजर आएगी। एनसीआरटीसी ने देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। एनसीआरटीसी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के साहिबाबाद न्यू अशोक नगर सेक्शन के बीच ट्रायल रन शुरू किया है। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर सेक्शन की लंबाई लगभग 12 किलोमीटर है। इस सेक्शन में आनंद विहार और न्यू अशोक नगर 2 आरआरटीएस स्टेशन है। संभल में हाईवे पर दो बाइकों की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसा गुन्नौर थाना इलाके के पास काली मंदिर के पास हुआ है। के पास नरोरा गुन्नौर मार्ग पर दो मोटरसाइकिलें आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। इस सूचना पर तत्काल गुन्नौर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सक द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत विकास निवासी जुनावई और नरेंद्र निवासी गुन्नौर इनको मृत घोषित किया तथा अन्य दो घायल कमल तथा राहुल को वास्ते चिकित्सीय इलाज हायर सेंटर रेफर किया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दोनों मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। सीतापुर में घर से लापता लड़के का शव उसी के खेत में पड़ा हुआ मिला है। शव मिट्टी में सना हुआ था। चेहरे पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामला संदना थाना क्षेत्र के ग्राम सहुली का है। राहुल शुक्रवार को घर से निकला था, देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो पुलिस को सूचना दी गई। परिजनों के आरोपों को लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। महोबा में मजदूरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से हादसा हुआ है। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 19 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों में 16 महिलाएं हैं, जिनमें एक महिला की मौत हो गई है। 5 सरकारी एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। 4 मजदूरों को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई वहाँ तत्काल पुलिस पहुंची मौके पर, प्रशासनिक टीम पहुंची और सभी को सीएचसी ले जाया गया। वहाँ से जो लोग यहाँ जिला अस्पताल आए हैं, अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 19 लोग हैं, जिसमें से कि 16 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। सभी की स्थिति डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि एक गंभीर है, शेष सभी आउट ऑफ डेंजर है। वाराणसी में राजकीय निर्माण निगम की विद्युत इकाई में तैनात अपर परियोजना प्रबंधक मनोज यादव के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। वाराणसी, देहरादून और मसूरी के ठिकानों पर छापा मारा गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान करीब 1,20,00,000 रुपए से ज्यादा के निवेश के दस्तावेज मिले हैं। अलग अलग 6 बैंकों में खातों के साथ कुल 13 मकान और प्लॉटों की रजिस्ट्री के दस्तावेज मिले हैं। वाराणसी के लालपुर में मौजूद घर, देहरादून के नथनपुर में मौजूद घर और मसूरी में एंटलर्स कॉटेज के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की गई है। सीतापुर में निरीक्षण के दौरान हेडमास्टर नशे में धुत मिले। बीडीओ एलिया स्कूल का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। पूछे जाने पर हेडमास्टर साहब ने कहा दर्द था इसलिए 100 ग्राम पी ली। वीडियो और शराबी हेडमास्टर की बातचीत का वीडियो काफी वायरल है। वीडियो ने हेडमास्टर की जांच रिपोर्ट बीएसए को भेजी है। मामला एलिया क्षेत्र के हलुआपुर प्राथमिक विद्यालय का है। आगरा में अगर कोई तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो अब उस पर लगाम लगेगी। रडार गन की मदद से ओवर स्पीडिंग का पता चल जाएगा, जिससे घर पर चालान पहुंच जाएगा। सड़क पर ओवर स्पीडिंग और ओवरटेक करने की कोशिश में आए दिन हादसे होते हैं।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस लगातार हादसों पर रोकथाम और नियमों का पालन कराने की दिशा में तत्पर रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे पर कई ब्लैक स्पॉट हैं। ब्लैक स्पॉट का मतलब किसी ऐसी जगह से होता है जहां पर बार बार हादसे होते हैं, हर साल सड़क दुर्घटना में जाने जाती हैं। इन्हीं हादसों पर लगाम लगाने के लिए आगरा ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर स्पीड रडार गन का इस्तेमाल करेगी। जो भी गाड़ी निर्धारित गति सीमा से तेज दौड़ेगी उसका चालान कर दिया जाएगा। हर जगह पर स्पीड लिमिट है लेकिन फिर भी नियमों का उल्लंघन होता है। टू व्हीलर के लिए 60 की है तो हम इसे 60 कर देंगे, ऐसे ही ऑटो के लिए 60 की है तो हम इसे 60 कर देंगे, इसी प्रकार ऑटो की कर देंगे। हर गाड़ी का अलग अलग स्पीड, जैसे ट्रक के लिए 80 की स्पीड है इनर रिंग रोड पे तो उसको 80 कर देंगे, बस के लिए भी यही निर्धारित है 80 कर देंगे। रात के समय में आगरा की सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ती हैं। एमजी रोड, फतेहाबाद रोड पर स्पीड रडार गन लगाई जाएगी। आगरा ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड रडार गन को डिप्लॉय किया है एक्सप्रेसवे पर भी, नेशनल हाईवे पर भी और शहर की बाकी अन्य मुख्य मार्गों पर भी। इन स्पीड रडार गन के माध्यम से जो गति सीमा का उल्लंघन करने वाहन है उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी फोटोग्राफ ली जा रही है प्रमाण के साथ और उसका नियमानुसार ITMS के माध्यम से चालान किया जाएगा। अगर कोई वाहन ये गलती बार बार करता है तो चालक की लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। सड़क पर बेकाबू रफ्तार हादसों को न्योता देती है। ट्रैफिक पुलिस की इस अनोखी पहल से उम्मीद है कि आगरा में इन पर रोकथाम लगेगी। हाईवे पर तेज गति से दौड़ने वाली गाड़ियों पर स्पीड रडार गन रोक लगाएगी। आगरा से न्यूज 18 के लिए कामिल कुरैशी की रिपोर्ट।